मेंढकों की टोली। एक मेंढकों की टोली जंगल के रास्ते से जा रही थी। अचानक दो मेंढक एक गहरे गड्ढे में गिर गए। जब दूसरे मेंढकों ने देखा कि गड्ढा बहुत गहरा है तो ऊपर खड़े होकर मेंढक चिल्लाने लगे, तुम दोनों इस गड्ढे से नहीं निकल सकते, गड्ढा बहुत गहरा है, तुम दोनों इसमें से निकलने की उम्मीद छोड़ दो। उन दोनों मेंढकों ने शायद ऊपर खड़े मेंढकों की बात नहीं सुनी और गड्ढे से निकलने के लिए लगातार वो उछलते रहे। बाहर खड़े मेंढक लगातार कहते, तुम दोनों बेकार में मेहनत कर रहे हो, तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, तुम दोनों को हार मान लेनी चाहिए, तुम नहीं निकल सकते। गड्ढे में गिरे दोनों मेंढकों में से एक मेंढक ने ऊपर खड़े मेंढकों की बात सुन ली और उछलना छोड़कर वो निराश होकर एक कोने में बैठ गया। दूसरे मेंढक ने प्रयास जारी रखा, वो उछलता रहा जितना वो उछल सकता था। बाहर खड़े सभी मेंढक लगातार कह रहे थे कि तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, पर वो मेंढक शायद उनकी बात नहीं सुन पा रहा था और उछलता रहा और काफ़ी कोशिशों के बाद वो बाहर आ गया। दूसरे मेंढकों ने कहा, क्या तुमने हमारी बात नहीं सुनी? उस मेंढक ने इशारा करके बताया कि वो उनकी बात नहीं सुन सकता क्योंकि वो बहरा है, सुन नहीं सकता, इसलिए वो किसी की भी बात नहीं सुन पाया। वो तो यह सोच रहा था कि सभी लोग उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं। कहानी से सीख, जब भी हम बोलते हैं उनका प्रभाव लोगों पर पड़ता है, इसलिए हमेशा सकारात्मक बोले। लोग चाहे जो भी कहें, आप अपने आप पर पूरा विश्वास रखें और सकारात्मक सोचें। कड़ी मेहनत, अपने ऊपर विश्वास और सकारात्मक सोच से ही हमें सफलता मिलती है।